दोस्तों, मेरी इतने सालों की योग की प्रैक्टिस के बाद या फिर मेरे हेल्थ प्रोफेशनल में आने के बाद मैंने अपनी करियर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे जो कि उनको प्रॉब्लम है जॉइंट के रिलेटेड, यानी कि जनरल कोई इलनेस नहीं है लेकिन फिर भी बिना वजह उनके बॉडी में पेन है, उनके घुटने स्टिफ हो रहे हैं, उनके बैक ज़्यादा टाइट हो गई है, ज़्यादा मसल स्टिफ हो रहे हैं, फैट्स बढ़ रही है या फिर उनकी जो बैक है धीरे धीरे उनके अंदर स्टिफनेस बढ़ रही है। तो ये आजकल आपने भी देखा होगा, ये कॉमन प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से या फिर मेरे रिसर्च में ये आया है कि 10 में से 4 से 6 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है, यानी कि उनकी बॉडी पेन कर रही है, उनके नी स्टिफ हो रहे हैं, उनके बैक में ज़्यादा टाइटनिंग बढ़ रही है, वो ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते, साइड में ट्विस्ट नहीं कर सकते, इस तरह से बैंड नहीं हो सकते। तो ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम है ये अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो वो प्रॉब्लम को अगर सॉल्यूशन लाना है तो मेरे पास आज ऐसे 10 डायनेमिक स्ट्रेचिंग में लाया हूँ जो कि मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद या फिर बहुत सारी ऐसी स्ट्रेचिंग मैंने सिलेक्ट की और उसमें से ये 10 डायनेमिक स्ट्रेचिंग मैंने सिलेक्ट की है जो आपको वाकई में काम आएंगी आपकी बॉडी की स्टिफनेस को दूर करने के लिए। आपको अगर ज़्यादा बैक पेन है, अगर आपको ज़्यादा वेट लॉस करना है तो ये भी स्ट्रेचिंग आपको काम आएगी। वेट को मैनेज करना है, वेट को कंट्रोल करना है, तभी भी ये स्ट्रेचिंग सारी आपको डेफिनेटली काम आएंगी। तो आइए मिलकर देखते हैं किस तरह से ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग की जाती है। और दोस्तों, ये मेरा पार्ट वन है जहाँ पर मैं आपको 10 ऐसी स्ट्रेचिंग बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने घर पर ही करनी है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है या फिर ना ही आपको जिम में जाने की ज़रूरत है। ये आप अपने घर पे बैठकर भी कर सकते हो और इसका 5 से 10 मिनट ये आपका टाइम लेगा और ये आपके बिजी शेड्यूल में अच्छी तरह से फिट हो सकती है। और आप अगर रेगुलर बेस के ऊपर उसका यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है आपको अच्छी हेल्थ पाने के लिए। आइए दोस्तों मिलकर देखते हैं किस तरह से ये 10 डायनेमिक स्ट्रेचिंग की जा सकती है। और अगर आपको ज़्यादा मेजर इश्यू नहीं है और आप हेल्दी हो तो डेफिनेटली आप रेगुलर बेस के ऊपर सुबह और शाम दो टाइम ये अपने दिन के अंदर कर सकते हैं। Before we begin this video, don't forget to subscribe to our channel for more daily tips like this and turn on notifications so you never miss our new videos. Did you enjoy this video? That's great. Hit the like button and share it with your friends. Also, subscribe to our channel for more videos like this. Thanks for watching. दोस्तों, मेरा पार्ट वन वीडियो है जहां पर मैं आपको 10 डायनेमिक स्ट्रेचिंग बताने वाला हूं और अगले वीडियो के अंदर मैं दूसरी 10 स्ट्रेचिंग बताऊंगा जो कि आपको और हेल्दी बनाने के लिए काम आएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये स्ट्रेचिंग की जाती है।
देखा दोस्तों आपने कि ये 10 डायनेमिक स्ट्रेचिंग किस तरह से की जा सकती है, वो करने से आपको क्या क्या ध्यान रखना है और ये करने के बाद आपको कितना अच्छा लाइटिंग फील होगा, ये आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के लिए काम आती है। फिर यहाँ पर हमने बताया कि ये 5-5 करनी है, लेकिन अगर आप चाहे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये 10 बार या 12-15 बार भी ये रूटीन के अंदर ये कर सकते हैं। और ये देखा जाए तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है या इतनी भी ऐसे नहीं है कि आप नहीं कर सकते, थोड़ी सी अलग प्रकार की है या फिर थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की स्ट्रेचिंग है, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे 8-10 दिन में ये डेफिनेटली आपको एक यूज टू हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगने लगेगा और उससे आपको अच्छी नींद आएगी, आपका इंच लॉस होगा, आपको अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाए। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अगर बॉडी के रिलेटेड कुछ भी ऐसी इश्यू है या फिर आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर विचार करके आपके लिए वीडियो बनाऊँगा और उसे अपलोड भी कर दूँगा जल्दी ही। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उसको ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।